और इसी बीच खबरों में बात करेंगे इटावा की, जहां से बड़ी खबर अब मिल रही है। इटावा में स्लीपर प्राइवेट बस मोरंग में भरी डंपर, टक्कर से 4 लोगों की हुई मौत, लगभग 45 गंभीर घायल। तो बड़ी खबर एटा से, जहां गोरखपुर से सवारियां लेकर अजमेर जा रही थी बस, गंभीर घायलों को सैफई के पीजीआई में कराया गया भर्ती, शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो बड़ी खबर एटा से, जहां पर एक भीषण हादसा हुआ है, सूचना पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, जांच में जुटी पुलिस। सैफई के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा, स्लीपर प्राइवेट बस मोरंग से भरी डंपर से टकराई। खबर इटावा से, जहां स्लीपर प्राइवेट बस मोरंग से भरी ट्रक से टकराई है, टक्कर में 4 लोगों की हुई मौत, लगभग 45 यहां पर गंभीर बताए जा रहे हैं। गोरखपुर से सवारियां लेकर अजमेर जा रही थी बस, गंभीर घायलों को सैफई के पीजीआई में कराया गया भर्ती। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक बड़ा हादसा यहां पर एक्सप्रेसवे पर हुआ है, क्या कुछ अपडेट है प्रमोद? जी सर, आपको बिल्कुल जानकारी बता दूं, जिस तरीके से ये बीती रात का जो मामला है, जहां पर गोरखपुर से स्लीपर की जो बस है वो अजमेर जा रही थी, वहीं इटावा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है उस पर जाकर के जो मोरंग का जो डंपर होता है उसमें जाकर टकराई, जिससे कि 4 यात्रियों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि 4 दर्जन से अधिक जो यात्री हैं वो घायल हो जाते हैं, जिसका उपचार सैफई के पीजीआई में किया जा रहा है। आन फान में इटावा के जिला अधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच करके घायलों का उपचार के लिए, उनके देखभाल के लिए लगे हुए हैं। जी प्रमोद, आखिर हादसे की वजह क्या रही? अगर टकराई है गाड़ियां दोनों आपस में तो किसी ना किसी गलती तो रही होगी, और फिर यहां पर जो घायल हैं उनको किस तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है? क्या गंभीर घायलों को कहीं बाहर भी रेफर करने की तैयारी है प्रमोद? अगर हादसे का अगर यदि बात की जाए, तो शायद बीती रात का जो मामला था, जहां पर तेज रफ्तार को मानी जा रही है, उसी के चलते हुए जो यात्री उसमें घायल हुए हैं उनका इलाज के लिए इटावा का जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद लगा हुआ है। और दूसरी चीज, सैफई के पीजीआई में टोटल मतलब बीती रात से ही अधिकारी वहां पे मौके पर रुके हुए हैं और उसी का घायलों का देखभाल के लिए लगे हुए और उनके इलाज के लिए सुरक्षा एकदम इंतजाम किए गए हैं। जी चलिए प्रमोद, आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित, जो कि एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्लीपर बस जो है वो ट्रक से टकराई है, जिसमें 4 लोगों की मौत, वहीं गंभीर घायलों की संख्या में भी काफी इजाफा बताया जा रहा है। सैफई से आगरा स्लीपर प्राइवेट बस मोरंग से भरी डंपर से टकराई, जहां पर 4 लोगों की मौत।